75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आइए संविधान को अक्षुण बनाए रखते हुए देश के विकास में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित देश के तमाम नागरिकों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए हम सब मिलकर देश को सर्वांगीण विकास एवं उन्नति तथा लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु और संविधान के रक्षा करने हेतु हम लोग आज संकल्प लें। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने राज्यवासियों और पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और अपने डिप्लोमा इंजीनियर्स हमारे जितने भी सदस्य हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप अपने संविधान का अनुपालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें और यह संविधान जो बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा रचित हुआ है उस संविधान को हमें अक्षुण रखना है, उस संविधान के आधार पर हमें उसका अनुपालन करना है। जय हिंद। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को, झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के संविधान को एक रखने के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करें। हमारा ये प्रयास देश की एकता और अखंडता को मजबूती देगा। जय हिंद, जय झारखंड। कोडरमा में मतदाता दिवस के मौके पर जागरूकता रैली का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। पहली बार वोट देने के लिए लोगों को प्रशासन की ओर से वोट देने के तरीकों को बताया गया। युवाओं में मतदान को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। दो चाक से ही लक्ष्मी देवी विजय जैकेट उतार के पहना के ले जल्दी से पहन। जिसको जिसको हमने कैप और टी-शर्ट दिया ना वो पहन के आज हम हम पहली बार वोट जा रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमको पहली बार मिला है वोट देने का। बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत खुशी है कि पहली बार हम वोट देंगे और मेरा भी नाम इसमें आया है। अच्छे और जो अच्छा है कि पहली बार वोट देंगे। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।